इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण, इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप बजट से जुड़े इन भारी भरकम शब्दों का मतलब जानते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय यूनियन बजट 2024-25 पेश करने जा रही है। बजट में सभी मंत्रालयों, विभागों, सेक्टर्स और योजनाओं को फंड्स आवंटित किए जाएंगे, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन बजट आने के बाद भी क्या हम 2024 के बजट को पूरी तरह से समझ पाएंगे? दरअसल बजट में वित्त से जुड़े कुछ ऐसे टर्म या कहे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसे आम लोगों के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आज हम बजट से जुड़े ऐसे ही टर्म का मतलब बताएंगे, जिससे आप आसानी से बजट समझ पाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे चल रहे फाइनेंशियल ईयर में अर्थव्यवस्था कैसी रही, अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त लेखा जोखा होता है। इसे देखते हुए सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करती है। वित्त विधेयक। वित्त विधेयक सरकार की वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। इसमें सरकार की राजकोषीय नीतियों और आवंटन होते हैं। बजट प्रस्तावों को लागू करने के लिए हर साल इसे संसद में पेश किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सर्विस की कुल वैल्यू को कहते हैं। महंगाई दर। महंगाई इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति ये देश में वस्तुओं, सेवाओं और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की दर है। वो वस्तुएं और सेवाएं जो एक सामान्य परिवार को चलाने के लिए जरूरी होता है। ये दर उपभोक्ता की खरीदने की शक्ति के बारे में बताता है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे टैक्स हैं जो सीधे करदाता से वसूले जाते हैं और किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाने वाले टैक्स हैं। ये किसी भी आदमी को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसे GST, VAT और किसी सेवा पर उत्पाद शुल्क। राजकोषीय नीति। किसी सरकार के लिए उसकी फिस्कल पॉलिसी बहुत अहम होती है। इसमें सरकार की आय और खर्च से जुड़ी चीजें आती हैं। पूंजीगत व्यय। सरकार फिस्कल एसेट्स तैयार करने पर जो खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, एयरपोर्ट, स्कूल आदि पर होने वाला खर्च आता है। रेवेन्यू डेफिसिट। जब सरकार की इनकम अनुमान के मुकाबले कम रहती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट की स्थिति में सरकार के पास पैसे की किल्लत हो जाती है, इसलिए उसे कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का मतलब केंद्र सरकार की आमदनी और खर्चों का अंतर है। सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा रहने पर उसे कर्ज लेना पड़ता है। सरकार कितना कर्ज लेगी ये फिस्कल डेफिसिट से तय होता है। हर साल सरकार बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट का अपना अनुमान भी पेश करती है। बजट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए News 18 India Originals के साथ।